इतिहास एक रोमांचक यात्रा है। यह यात्रा हमें समय और संसार के आर पार ले जाती है। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे ऐसा बनाने में हमसे पहले आए लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके जीवन के सुख दुख, अपने युग की समस्याओं से जूझने की उनकी कोशिशें, उनकी खोजें और आविष्कार, इन्हीं के ताने बाने में मानव समाज बदला। लंबे अंतराल में धीमे धीमे होने वाले परिवर्तनों का असर इतिहास के झरोके से ही देखा जा सकता है। इतिहास पढ़कर ही हम समझ पाते हैं कि आधुनिक दुनिया अनेक सदियों से हो रहे बदलावों का परिणाम है। जो कविताएं इस श्रृंखला में हम सुनेंगे वे इतिहास की कुछ रोचक सच्चाइयों से हमें रूबरू कराएंगी। IET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला इतिहास एक कहानी। इस श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं ये गीत। इतिहास क्या है? इतिहास लेखन की परंपरा भारत में बहुत बाद में आई। शुरू से ही हम ऐतिहासिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने के, उनके लेखन के आदि नहीं रहे हैं, और इसीलिए इतिहास लिखने के तौर तरीकों में समय समय पर बदलाव आता रहा है। एक समय था जब इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्तियों, राजा रानियों, शासकों, उनके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं, उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, किसमें उनकी हार हुई, किसमें जीत हुई, जैसी बातों का ही ब्यौरा हुआ करता था। पर जैसे जैसे समय बदला, यह महसूस किया जाने लगा कि इतिहास केवल एक वर्ग विशेष की घटनाओं का ब्यौरा नहीं होना चाहिए, बल्कि इतिहास के अंदर आम आदमियों के जीवन में क्या घटित हुआ, इन बातों का जिक्र भी होना चाहिए। और इसी वजह से आज जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि इसमें ना केवल महत्वपूर्ण व्यक्तियों और उनके जीवन का ब्यौरा है, बल्कि इसमें आम आदमियों, बच्चों और महिलाओं के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का भी ब्यौरा है। वो इसलिए कि परिवर्तन को दिशा देने में, आधुनिकता को दिशा देने में आम आदमियों का, बच्चों का, महिलाओं का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इतिहास की इस कविता में हम इन्हीं सब बातों का ब्यौरा सुनेंगे। जिसमें केवल राजा रानी, हाँ, जिसमें केवल राजा रानी, उनका जीवन उनका राज, उनका जीवन उनका राज, उनकी सेना उनके काज, उनकी सेना उनके काज। इतिहास वो नहीं कहानी। जीत
किसी की किसी की हार, रथ घोड़े हाथी तलवार, मंत्रियों और मुलाजिमों से सजा हुआ राज दरबार, सजा हुआ राज दरबार, सजा हुआ राज दरबार। महलों का और युद्धों का ही नहीं है ब्यौरा इसमें आज, आम लोगों की भी इसमें गूंज रही है अब आवाज, गूंज रही है अब आवाज, गूंज रही है अब आवाज। इतिहास वो नहीं कहानी। आम लोग तब क्या करते थे, कैसे करते गुजर बसर, युद्धों और हार जीतों का उन पर पड़ता था क्या असर, उन पर पड़ता था क्या असर, उन पर पड़ता था क्या असर। महिलाएं तब क्या करती थी और बच्चे क्या करते थे, इतिहास के सब कालों में वो सब भी तो बसते थे, वो सब भी तो बसते थे, वो सब भी तो बसते थे। इतिहास वो नहीं कहानी। सबका जीवन सबकी शैली, लोक कला और तीज त्योहार, इतिहास में आज सभी हैं, नहीं खास कोई ना है आम, नहीं खास कोई ना है आम, नहीं खास कोई ना है आम। इतिहास वो नहीं कहानी, इतिहास वो नहीं कहानी, जिसमें केवल राजा रानी, हाँ, जिसमें केवल राजा रानी, उनका जीवन उनका राज, उनका जीवन उनका राज, उनकी सेना उनके काज, उनकी सेना उनके काज। इतिहास वो नहीं कहानी, इतिहास वो नहीं कहानी, इतिहास वो नहीं कहानी। इतिहास क्या है? अभी आप सुन रहे थे ये गीत। विषय संयोजन, आलेख एवं वाचन डॉक्टर इंदु कुमार, संगीतकार हरभजन सिंह, गायन स्वर अनुजा बिसारिया और विनीत, ध्वन्यांकन बटी लैंगडिंगडू, निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल, निर्देशन एवं निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।